हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईशान और आज इस वीडियो में बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या है कॉनवेक्स और कोन के मिरर के लिए, और कैसे हम फाइंड आउट करें कि कॉनवेक्स और कोन के मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, एक याद करने का आसान तरीका। तो इस वीडियो में बात करते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास दो मिरर और दो लेंस होते हैं, एक होता है कॉनवेक्स, एक होता है कॉनकेव। यहाँ पर मैंने आपको रे डायग्राम बना रखे हैं दोनों के, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ होती है वो होती है प्लस पॉजिटिव कॉनवेक्स के लिए, और निगेटिव होती है हमारी माइनस कॉनकेव के लिए। तो जी, इसको याद कैसे रखें? तो याद रखने का एक आसान तरीका, ये जो कॉनकेव लेंस होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये नेगेटिव साइन की तरह यहाँ पर एक हमें साइन मिल रहा है, जिससे हम याद कर सकते हैं कि जी यहाँ पर होता है हमारा निगेटिव। तो कॉनकेव के लिए लेते हैं निगेटिव, चाहे वो हमारा मिरर हो चाहे वो लेंस हो, कॉनकेव के लिए आइदर होता है हमारा निगेटिव। और याद कैसे रखना है इसको कि जी हमारा जो कॉनवेक्स कॉनकेव लेंस होता है उसके ऊपर ये रहता है निगेटिव की तरह एक ऐसा कुछ, तो हम याद कर सकते हैं कि ये होता है निगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। तो ये फिक्स होता है चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। तो यहाँ पर ये चीज़ फिक्स है कि एफ जो होता है वो कॉनकेव के लिए निगेटिव और कॉनवेक्स के लिए पॉजिटिव, आइदर लेंस और आइदर मिरर। और जी बात करते हैं यू की, तो यू होता है ऑलवेज हमारा निगेटिव चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, दोनों के लिए u निगेटिव होता है यहाँ पर, और यहाँ के लिए भी हमारा u होता है ऑलवेज भी निगेटिव। तो ये थोड़ी चीज़ कंफ्यूज करती है बच्चों की फोकल लेंथ क्या लें, तो आपको पता ही चल गया होगा कॉनवेक्स प्लस और कॉनकेव निगेटिव। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।